आप हमें भूल जाएं, हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हम आपको भूल गए समझ लीजिएगा उस दिन इस दुनिया में हम नहीं। आपको हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, इनफैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं आज का सुपर संडे एंटरटेनिंग शो। आज के शो में दिल दोस्ती की बातें होंगी, नाचना होगा, गाना होगा, हंसना होगा, हंसाना होगा, लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले एक सबसे बड़ा धमाका। सारा खान याद है आपको? हाँ, कोई विदाई वाली, फिर बिग बॉस से घर में गई थी, अली मर्चेंट से चट प्यार, पट ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब वो खुलेआम कह रही है कि उनको फिर से किसी और से प्यार हो गया है। सारा, आपकी दिलेरी पे हम एक ही बात कहेंगे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला ये क्या हुआ, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला अगर एक बार फिर दिल धड़का, फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला आंखें चार हुई और सारा ने खा लिया लव का कैप्सूल। सारा को हो गया है इश्क वाला लव। इश्क वाला लव वो एक्चुअली ये प्लान नहीं होता है, ये जो हो जाता है और हो गया। इश्क वाला लव, जी हाँ, ये प्यार तो बस हो जाता है। वैसे नजरें बेशक चुपके चुपके टकराई हो, लेकिन दोस्तों और जमाने के सामने सारा अपनी मोहब्बत का ऐलान खुलेआम कर रही हैं। वी आर डेटिंग एंड ही इज माय बॉयफ्रेंड। ऐलान मोहब्बत के बाद सारा ने ये राज भी खोल दिया कि एमटीवी के शो स्प्लिट्सविला 5 जीत चुके पारस छाबड़ा से इन्हें कब, कहां और कैसे प्यार हो गया। बस हम मिल गए और एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई। नाउ इट वी लव ईच अदर एंड वी आर टुगेदर एंड वी आर प्लानिंग टू डू सम वेंचर टुगेदर एंड आई होप इट विल गेट सक्सेस। तो सुना आपने, दिल दोस्ती और प्यार की ये केमिस्ट्री फिल्म कैप्सूल ऑफ लव में नजर आएगी। सारा हीरोइन और प्रोड्यूसर का डबल रोल निभाएंगी, तो पारस रियल लाइफ में भी बनेंगे उनके हीरो। एक दूसरे को कैप्सूल खिलाते रहेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। यही फंडा है रियल लाइफ में भी? नहीं, रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल भी कैप्सूल नहीं खाती, नहीं खाता है, बट हाँ फिल्म में हम जरूर खिलाएंगे एक दूसरे को कैप्सूल, ताकि रियल लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। अली मर्चेंट से ब्रेकअप के बाद सारा ने तो लव का कैप्सूल खा लिया, तो क्या वो अपने दोस्तों खास करके करण कुंद्रा को भी इसे खाने की सलाह देंगी? डिपेंड करते कौन सा कैप्सूल है। करण को तो जरूरत नहीं है किसी भी कैप्सूल की, वो तो अपने आप में एक कैप्सूल है। अपने आप में कैप्सूल, लव वाला कैप्सूल तो कबूल है यार। अब मैं यहाँ हूँ ये इस बात का, यू नो। अभी कुछ दिनों से लग रहा है फिल्म की लॉन्चिंग पार्टी को गुलजार करने सारा के दोस्त और द सीरियल के साथी कलाकार करण कुंद्रा और सौम्या सेठ भी पहुंचे, और पारस के जिगरी दोस्त सीरियल कबूल हैं के आयाम भी। यारों की इस मुलाकात में दिल दोस्ती की बातें भी हुई और सबने दोनों को गुड लक भी कहा। एक्चुअली पंजाबी सुपरस्टार हमारे अब यहाँ के दोस्तों को बिल्कुल भूल चुके हैं, तो लेकिन आज की जो पार्टी है उसमें मैंने इनको जबरदस्ती बुलाया है कि यू विल हैव टू कम फॉर श्योर। तो ये 10 कॉल के बाद इन्होंने फोन उठाया और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी इन्हें। थैंक यू सो मच। तुम बिल्डअप भी डेली सब जैसे ही देती हो। सारा ऑसम ऑसम एंड ऑसम, कीप रॉकिंग एंड गो अहेड एंड मेक मोर फिल्म्स। बधाई तो हम भी सारा को देना चाहेंगे। सारा और पारस की जोड़ी फिल्म में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी इनके लव का कैप्सूल कामयाबी का मीठा स्वाद चखे। पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज तक। इश्क वाला लव। नहीं 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 नहीं, ये डांस स्टेप म्यूजिक के साथ नहीं जा रहा है। दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा प्रैक्टिस करो, एक रीटेक दूसरा रीटेक। बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी अवार्ड फंक्शन की रिहर्सल्स के दौरान, लेकिन कलर सीवी की बहुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो परफॉर्म करने जा रही है झकास कपूर यानी कि अनिल कपूर के साथ। कलर्स चैनल के सारे सितारे होंगे गोल्डन पेटल अवार्ड्स पर, हम आपको उसी की रिहर्सल्स पर लेके जा रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे गाने
के बोल हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मगर यहाँ अनिल कपूर के साथ एक नहीं कलर्स की सारी बहुएं हैं। मधुबाला है, तप्पू है, आनंदी है, सिमर है, रोली है, मेघा है, जिसमें से मेघा और सिमर के साथ अनिल कपूर करेंगे रोमांस। लड़की को देखा तो ऐसा लगा, यहाँ मधुबाला के आरती भी है जो धमाकेदार डांस का कर रहे हैं रिहर्सल। एक तो मेरा एक्ट है जो डिजर्ट एक्ट है, जहाँ पे हम चार कलर्स की लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं एक साथ, और एक है जिसमें मैं हम अलग अलग कलर की लड़कियाँ अगेन अनिल जी के साथ परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं उसमें पिछले साल की तरह इस साल भी कलर्स लेकर आ रहा है गोल्डन पेटल अवार्ड, जिसकी टेक्निकल रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। इस अवार्ड फंक्शन में कलर्स की सबसे हसीन बहुएं अनिल कपूर के साथ रोमांस करेंगी, और उसके बाद हर बहू अपने पूरे परिवार के साथ नाचेगी। मधुबाला अपनी पूरी टीम के साथ, आनंदी अपने कुनबे के साथ, तपस्या अपने पूरे खानदान के साथ, परिचय के कुणाल और सखी अपनी पूरी फैमिली के साथ झूमते नजर आएंगे। यह ना तो सास बहू की दूतू में होगी और ना ही सौतन की साजिश, सारे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बनाएंगे इस जश्न को और भी धमाकेदार। और इस पल में उनके साथ परफॉर्म करना मतलब ऐसा होता है कि आप खुद फील करने लग जाते हैं कि अरे वाह, मतलब कुछ सॉन्ग जो हम सुनते थे उसमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है विद द सेम स्टार, तो वो बहुत अपने आप में बहुत खुशी की बात है। यहाँ खुले खुले स्टूडियो में सितारों को मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन सारी मुश्किलें भूलकर पिछले 3 दिन से रिहर्सल में जुटे हैं कलर्स के सितारे। जाहिर सी बात है, खुली हवा है तो मच्छर तो होंगे, ये कोई स्पेशल जगह तो है नहीं, खुला है, ओपन एयर है, बट मच्छर है तो क्या हुआ, उसका अपना ही मजा है। इस पूरे अवार्ड फंक्शन को कोरियोग्राफ कर रही हैं जानी मानी कोरियोग्राफर गीता कपूर यानी गीता माँ। तो तैयार हो जाइए बहू बेटों के धमाकेदार जलमों से सजाई अवार्ड फंक्शन देखने के लिए, जो जल्द ही दिखाया जाएगा कलर्स पर। आज तक ब्यूरो। और अब वक्त है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध ले, रिमोट कंट्रोल भूल जाएं, क्योंकि हम आपको लेके जाने वाले हैं धड़न हांगकांग के डिज्नीलैंड, और वहां पर हमारी स्टार गेस्ट भी है। उनका नाम है गंगूबाई या सलोनी। सलोनी आपको दिखाएंगी हांगकांग का डिज्नीलैंड, और देखकर आप भी कहेंगे कि एक बार तो वह जाना बनता है बॉस। चुके हैं हांगकांग, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हांगकांग एयरपोर्ट का नजारा। और सलोनी, सबसे पहले बताइए हम कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग डिज्नीलैंड के होटल में जाने वाले हैं, और हम लोग उधर बहुत मजा करने वाले हैं। और डिज्नीलैंड के होटल है क्यों? क्योंकि हम लोग डिज्नीलैंड घूमने जा रहे हैं। सलोनी पहुंची डिज्नीलैंड के हॉलीवुड होटल। सबसे खास बात थी कि सलोनी के साथ इसके जैसे ही 20 क्यूट प्रिंसेस थे, जिसे डिज्नी की तरफ से डिज्नीलैंड जाने का मौका मिला। होटल पहुंचने के बाद टाइम वेस्ट किए बिना सलोनी पहुंची सीधा अपने फेवरेट जगह पर। हांगकांग के सबसे
खास बात क्या है सलोनी, बताइए। डिज्नीलैंड ऑफ कोर्स, और जब बच्चे हो तो उन्हें डिज्नीलैंड से और कुछ सोचता ही नहीं है। ओ तो सलोनी, अब आप गंगूबाई के स्टाइल में बताएंगे कि डिज्नीलैंड में आप क्या क्या करने वाली हैं। हम लोग डिज्नीलैंड में बहुत मजा करने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे राइड में बैठने वाले हैं, बहुत सारे शोज देखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। हम लोग शॉपिंग भी बहुत सारी करेंगे। डिज्नीलैंड आता मजा भी करना। और डिज्नीलैंड में बच्चों को सबसे ज्यादा क्या हैपनिंग लगता है वो तो आपको पता ही होगा। हांगकांग डिज्नीलैंड की सबसे खास बात क्या है? यहाँ की राइड्स ऑफ कोर्स जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। और सलोनी बताइए ये क्या है? ये टॉय स्टोरी लैंड है, इसमें बहुत सारे राइड्स हैं और हम लोग अभी वो करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी आइए। उसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक राइड का सिलसिला। हम लोग इसे कहते हैं क्लिंकी डॉग और हम इस पर जाने वाले हैं। आइए देखते हैं डर लगता है कि नहीं। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई। इस ऑरेंज सीट वाली राइड पर राउंड लेने के बाद जरा सलोनी का रिएक्शन तो सुनिए। मजा तो आया लेकिन डर नहीं लगा। अभी ऐसी राइड में चले जाए डर लगता। अब बारी थी पैराशूट राइड की। बहुत मजा आया, हम लोग कितना ऊपर गए। यहाँ से हमारा होटल भी दिख रहा था ऊपर जाके, और मैंने तो आँख नहीं बंद की थी, अपने आँख बंद की थी। एकदम हाइट में जा रही थी तो मुझे लग रहा था एकदम आसमान में उड़ रही हूँ। सुपर्ब था। इसके बाद बारी थी आरसी रेसर की, जिसपे लोग उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। ये राइड डरावनी तो थी लेकिन मजा बहुत आया। आप क्यों नहीं आई? बहुत मजा आता था डरावनी। मुझे एक्चुअली डर लग रहा था। और इस राइड को कहते क्या है भाई? इस राइड को कहते हैं आरसी रेसर। देखिए हम लोग कितना मजा कर रहे, चीख रहे, बहुत मजा आया। जब हम लोग ऊपर चलते तो ऐसा लगता है पूरा गिरने वाले हो। मुझसे बाहें ना छुड़ा, कहीं को ना जा। जब हम लोग उस साइड जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा उल्टा गिर जाएंगे। बहुत घबरा, थोड़ा मुस्कुरा, जो भी होगा आई एम विद यू। अब आई डिज्नीलैंड की सबसे हैपनिंग राइड की बारी, जिसे ग्रिजली गल्च कहते हैं। तेरे पीछे पीछे मैं अभी रन अवे माइन कार्स, अभी इसमें हम लोग जाएंगे। ये बहुत अच्छी राइड लग रही है, अभी आने के बाद ही देखेंगे कैसा लगता है। और इस पहाड़ के ट्रेन में बैठकर सलोनी कहाँ घूम हुई कैमरे को पता ही नहीं चला। सिर्फ दूर से ही इस राइड का नजारा और चिल्लाते हुए लोग देख रहे थे। मौका ऐसा ना गवा, यूं ही बेवजह, जो भी होगा I am with you। खैर इस ट्रेन के बाद गंगू पहुंची कश्ती में। अभी मैं जा रही हूँ जंगल रिवर क्रूज में, अभी देखते हैं उसमें कितना मजा। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। मम्मी आपको कैसा लगता है घास में बैठने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, डर भी लगता है। कल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी। और इस जंगल से गुजरते हुए नाग से ऐसा ऐसा नजारा दिखा कि रोंगटे खड़े हो गए। हमें बोला गया अपनी सेफ्टी के लिए पानी के हाथ मत डाल। यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हैं, आप देखिए यहाँ पर स्पाइडर है, कितना बड़ा बड़ा है। सांपा, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे क्रोकोडाइल्स हैं। गामा पासा, बम बम बम। कहीं पर हाथी, कहीं मगरमच्छ, कहीं गोरिल्ला, और हाथी में डॉलर।
सलोनी को डर नहीं लगा। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। और इस डरावने रिवर जंगल से निकलकर सलोनी ने खोला एक राज। तो सलोनी, यहाँ आपने बोला मजा तो बहुत आया लेकिन आपको डर नहीं लगा? अरे डर किसका लगना है, आपको एक राज की बात बताओ, ये सब जो आपने देखा ना राइनोसोरस हिप्पो वो सब नकली थे। ये राज तो आपने ऑडियंस के सामने खोल दिया। खैर, इस नकली दुनिया से निकलकर हम गए एक छोटी सी दुनिया में। अभी हम जा रहे हैं स्मॉल वर्ल्ड। इस स्मॉल वर्ल्ड में छोटे छोटे डॉल्स के जरिए अलग अलग देश के कपड़े डांस कल्चर को दिखाया गया है। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने मिले। अभी ये बोट चालू हो गया है, हम लोग अभी स्मॉल वर्ल्ड की सैर करने वाले हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं। अभी ये पूरा यूरोप सिटी है, यहाँ पे दिखाया है कि यूरोप में कैसे सब होता है। कुछ लोग ऊपर रोप से चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। कितनी सी हंसी। अरेबियन कंट्री लोगों को दिखाया गया है। उधर हॉर्स है, हॉर्स ना कैमल है। ये अमेरिका है, कितना सुंदर है। ये देखिए अमेरिकन डांस। और वो फ्रूट बेच रही है, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कुछ बटरफ्लाई कपड़े बेच रहे हैं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। स्मॉल सैर के बाद सलोनी पहुंची गोलीबारी करने। अभी हम लोग एस्टो ब्लास्टर के अंदर जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ कितना मजा आता है। चलो। खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो। अंदर इतना मजा आया, आपको पता है हमारे पास कार्स थी, हमें वो लोगों को शूट करना था और हमें पॉइंट्स बनाने थे, और पता है वो हमारी जो कार थी वो गोल गोल घूमती थी, बहुत मजा आया। तो इस एडवेंचर और राइड का तो गंगूबाई के लिए दी एंड नहीं है, लेकिन डिज्नीलैंड के बंद होने का तो टाइम है, इसीलिए सलोनी को ना चाह कर भी राइड से होना पड़ा अलग। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ अनुपमा राय, हांगकांग आज तक। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यार लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर जरा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यार लेट्स स्टार्ट वे। राइट लेफ्ट, जी हाँ, कुछ ऐसा ही परेड हम स्कूल में किया करते थे, लेकिन डिज्नीलैंड का परेड बहुत ही खास है और इसके शोज तो और भी स्पेशल। बताइए आप कितनी एक्साइटेड है, अलग स्टाइल में बताइए। ओ ताकी 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 रे, बड़े मजेदार डिज्नीलैंड की झांकी। चलो हम लोग परेड और शोज देखते हैं। हांगकांग डिज्नीलैंड के अंदर चले जाओ, फिर तो इतने सारे शोज होते हैं और इतने परेड कि देखने वाला थक जाए, लेकिन ये परेड वाले नहीं थकेंगे। सबसे पहले शुरुआत हुई यहाँ के सबसे अनोखे फ्लाइट ऑफ फैंटेसी परेड से। वहाँ से परेड आएगी जहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे डिज्नी के, और उनके साथ मैं और मेरे बाकी फ्रेंड्स डांस कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। इसमें मिनी और मिकी माउस पहुँचे सज धज कर, और इन्हें देखकर बच्चे हो गए पागल। सलोनी भी मिकी माउस और मिनी की तरफ बार बार वेव कर रही थी। अरे वाह,
जिसके बाद आई प्रिंसेस के साथ डांस करने की बारी। इसके अलावा रथ पर सवार होकर पहुंची प्रिंसेस सिंड्रेला छोटी छोटी प्रिंसेस को अपने पास बुला रही थी। सारी प्रिंसेस आए, सारे कैरेक्टर्स आए, लेकिन खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। मुझे सिंड्रेला ने किस दिया था और मुझे मेरी वही फेवरेट थे।